जिला बिजनौर में शनिवार को जिलाधिकारी अग्रवाल ने तहसील नजीबाबाद के भारत रत्न चौधरी चरण सिंह सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए शिकायतों को सुना। तहसील दिवस के मौके पर कुल 40 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से राजस्व विभाग से संबंधित 18 शिकायत, पुलिस विभाग से संबंधित 7 शिकायतें, विकास विभाग से 5, स्वास्थ्य विभाग से 2 शिकायतें तथा 8 शिकायतें अन्य विभाग से संबंधित थी, जिनमें से मात्र 3 शिकायतों का मौके पर ही विभागीय अधिकारियों के माध्यम से निराकरण करा दिया गया तथा शेष के गुणवत्ता परखवा समयबद्ध निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा कानूनों के भ्रमण रजिस्टर चेक किए गए तो प्रकाश में आया कि किसी भी कानूनों द्वारा भ्रमण रजिस्टर को अगत पीन नहीं रखा गया, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी कानूनों को सख्त निर्देश दिए कि सभी कानूनों को प्रतिदिन ऑफिस में बैठना सुनिश्चित करें तथा प्रतिदिन किए गए कार्यों को रजिस्टर में दर्ज करना व रजिस्टर को अद्यतन रखना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि यदि अगली बार जांच करने पर कानूनों रजिस्टर मेंटेन नहीं पाया गया तो संबंधित कानूनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कावड़ यात्रा के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने कहा कि अभी तक हमारे जिले में सकुशल रूप से कावड़ यात्रा का कार्य संपन्न हुआ है। उन्होंने बताया कि हमारे जिले में आगामी 2 सप्ताह तक कावड़ यात्रा और संचालित रहेगी, जिसके दृष्टिगत उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी अधिकारी अपने दायित्वों का गंभीरता के साथ निर्वहन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने साफ सफाई एवं सामुदायिक शौचालय की सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बाढ़ के संबंध में उन्होंने बताया कि जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बहुत कम है। उन्होंने बताया कि नदियों का जलस्तर खतरे के स्तर से थोड़ा कम है। उन्होंने बाढ़ से संबंधित सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पूर्व में ही बाढ़ से बचाव की सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं। उन्होंने सभी BDO और EO को निर्देशित करते हुए कहा कि बाढ़ से बचाव के लिए जो भी आश्रय स्थल बनाए जा रहे हैं उनका पूर्व में ही निरीक्षण करना तथा वहां आवश्यकता के अनुसार सभी कार्रवाई पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इस पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी विजय कुमार गोयल, जयकरण यादव, जिला विधायक निरीक्षक, उप जिलाधिकारी कुंवर बहादुर सिंह नजीबाबाद एवं कमलेश कुमार तहसीलदार नजीबाबाद के अलावा सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। कितनी शिकायतों का निस्तारण हुआ? अंतर स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसील नजीबाबाद में किया गया है। यहाँ पे विभिन्न विभागों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। लगभग अभी तक हम लोगों को 25 के आसपास शिकायतें प्राप्त हो गई हैं। जो शिकायतें आई हैं वो मुख्यतः जो है वो राजस्व विभाग से, पुलिस विभाग से, विद्युत विभाग से, ग्राम विकास विभाग से संबंधित शिकायतें ज़्यादा प्राप्त हुई हैं। उनके संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कुछ जो शिकायतें थी उनका मौके पर निस्तारण कराया जा रहा है और कुछ जो शिकायतें उनको अगले 7 दिन से 14 दिन के अंदर हम पूरी तरह से निस्तारण कराने का प्रयास करेंगे। क्या आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोच रहे हैं? तो राज ऑटोमोबाइल्स नजीबाबाद आपके लिए लाए हैं एकदम धमाकेदार ऑफर, केवल 39,500 में एक साल की वारंटी के साथ, जो एक चार्जिंग में 60 किलोमीटर चलती है। बुकिंग ऑफर 25 जुलाई से 25 अगस्त तक रहेगा। डिलीवरी 4 सितंबर से शुरू हो जाएगी, जो कि दिवाली तक रहेगी। ये ऑफर केवल 100 स्कूटर की बुकिंग पर होगा। अगर आपको भी कम दाम में मजबूत स्कूटर चाहिए तो आज ही बुकिंग करें। कॉल करें 7078820077। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।